यह चिड़िया पता नहीं कहाँ खो गई। इनके गायब होने का जिम्मेदार मोबाइल फोन टावर, कीटनाशकों के इस्तेमाल आदि को ठहराया जा रहा है। बचपन में यह आसानी से 8-10 के झुंड में दिखाई दे जाती थी, लेकिन अब तो यह दुर्लभ सी हो गई है। आइए आपको इस गायब होती गोरैया पक्षी की जानकारी से अवगत कराते हैं। हर साल 20 मार्च को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में गोरैया की घटती आबादी को चिंताजनक मानकर की गई थी। गोरैया बचाव अभियान को सपोर्ट करते हुए साल 2012 में घरेलू गोरैया को दिल्ली का और 2013 में बिहार का राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया। गोरैया एक बहुत छोटा सा पक्षी है। औसतन इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और वजन 24 से 40 ग्राम होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गोरैया की लगभग 45 प्रजातियां मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में इसकी संख्या में 60 से 80 फीसदी की कमी आई है। नर और मादा गोरैया को उनके रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर गोरैया की पीठ तंबाकू रंग की और गर्दन पर काली पट्टी होती है, जबकि मादाओं की पीठ और पट्टियां दोनों भूरे रंग की होती हैं। गोरैया आमतौर पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन खतरे के समय वे प्रति घंटे 50 किलोमीटर की तेज गति से भी उड़ सकते हैं। गोरैया प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होते हैं, लेकिन जब से यह लोगों के करीब रहने लगे तो अपनी आदतों को बदल दिया। गोरैया चिड़िया का खाना मुख्य रूप से पतंगे और अन्य छोटे कीड़े हैं, लेकिन यह बीज, जामुन और फल भी खा सकते हैं। 1950 के दशक के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गोरैया को मारने का अभियान शुरू किया, क्योंकि गोरैया फसल खा जाया करते थे। लेकिन इस अभियान के खत्म होते ही नतीजे इसके उल्टे आए, क्योंकि लाखों गोरैया को मारने के बाद चीन में फसल खाने वाले कीड़ों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई और इस कारण हालत अकाल जैसे हो गए थे। गोरैया के बहुत कम अंडों में माता पिता दोनों का डीएनए होता है, ज्यादातर में केवल उनके माँ का ही डीएनए होता है। गोरैया का घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर गोरैया की होती है, और घोंसला बनते समय वे मादा गोरैया को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। औसतन एक मादा गोरैया हर साल 3 से 5 अंडे देती है। 12 से 15 दिनों के बाद अंडों में से एक गोरैया का जन्म होता है। नर और मादा दोनों मिलके अंडों और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अपने जन्म के 15 दिन बाद ही एक गोरैया इतना काबिल हो जाता है कि वह अपना घोंसला छोड़ सके। जंगली गोरैया औसतन 4 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन डेनमार्क में एक जंगली गोरैया 19 साल और 9 महीने तक जीवित रहा था। जंगली गोरैया के लिए यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिंजरे में कैद करके पाले जाने वाले गोरैया औसतन 12 से 14 साल जीवित रहते हैं, लेकिन एक गोरैया का रिकॉर्ड 23 साल तक जीवित रहने का है। अधिकांश गोरैया सुस्त होते हैं, वे शायद ही कभी अपने जन्म स्थान से 2 किलोमीटर से दूर उड़ते हैं। भले ही इनकी गिनती पानी के पक्षियों में नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें तैरने की क्षमता होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यह पानी के अंदर ही अंदर तैरते हैं। गोरैया के आंख के रेटिना में प्रति वर्ग मिलीमीटर 4 लाख फोटो रिसेप्टर होते हैं। गोरैया जब दुखी होते हैं तो अपने तनाव को कम करने के लिए अपने पूंछ को बार बार झटकते हैं। आमतौर पर गोरैया जमीन पर सीधे चलने की बजाय उछलते हुए चलते हैं। बिल्ली, कुत्ते, सांप, लोमड़ी आदि जानवर ही अधिकतर गोरैया का शिकार करते हैं। इन्हीं कुछ जानवरों से गोरैया को खतरा होता है। गोरैया की घटती आबादी का एक कारण मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन है, क्योंकि आमतौर पर 12 से 15 दिनों तक अंडा सेने के बाद गोरैया के बच्चे निकल आते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के पास 30 दिन सेने के बावजूद भी अंडे नहीं फूटते। तो दोस्तों, अब आप जान गए हो कि गोरैया हमसे दूर क्यों होती जा रही है। तो गोरैया से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।